पहला सैमुएल दसवां बाब। फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सिर पर उंढेली और उसे चूमा और कहा कि यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मीरास का पेशवा हो। जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जिलजा में जो बिन्यामीन की सरहद में है राखल की गौर के पास दो शख्स तुझे मिलेंगे और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए और देख अब तेरा बाप गधों की तरफ से बेफिक्र होकर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां तीन शख्स जो बैतिल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे, एक तो बकरी के तीन बच्चे, दूसरा रोटी के तीन गिरदे और तीसरा मैं का एक मशखीजा लिए जाता होगा और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के वो गिरदे तुझे देंगे, तू उनको उनके हाथ से ले लेना और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमायत जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी और उनके आगे सितार और दफ और बांसली और बरबत होंगे और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदलकर और ही आदमी हो जाएगा। सो जब ये निशान तेरे आगे आए तो फिर जैसा मौका हो वैसा ही काम करना, क्योंकि खुदा तेरे साथ है और तू मुझसे पेशतर जेजाल को जाना और देख मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सोख्तनी कुर्बानियां करूं और सलामती के जबीहों को जिबा करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना जब तक मैं तेरे पास आकर तुझे बता न दूं कि तुझको क्या करना होगा। और ऐसा हुआ कि जूं ही उसने सैमुएल से रुखसत होकर पीठ फेरी खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया और वो सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमायत उसको मिली और खुदा की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है तो वो एक दूसरे से कहने लगे, कैस के बेटे को क्या हो गया? क्या साउल भी नबियों में शामिल है? और वहां के एक आदमी ने जवाब दिया कि भला उनका बाप कौन है? तभी से ये मिसल चली, क्या साउल भी नबियों में है? और जब वो नबूवत कर चुका तो ऊंचे मुकाम में आया, वहां साउल के चचा ने उससे और उसके नौकर से कहा, तुम कहां गए थे? उसने कहा, गधे ढूंढने, और जब हमने देखा कि वो नहीं मिलते तो हम सैमुएल के पास आए। फिर साउल के चचा ने कहा कि मुझको जरा बता तो सही कि सैमुएल ने तुझसे क्या क्या कहा। साउल ने अपने चचा से कहा, उसने हमको साफ साफ बता दिया कि गधे मिल गए, पर सल्तनत का मजमून जिसका जिक्र सैमुएल ने किया था ना बताया। और सैमुएल ने लोगों को मिस्फा में खुदावंद के हजूर बुलवाया और उसने बनी इसराइल से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इसराइल को मिस्र से निकाल लाया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से और सब सल्तनतों के हाथ से जो तुम पर जुल्म करती थीं रिहाई दी।
पर तुमने आज अपने खुदा को जो तुमको तुम्हारी सब मुसीबतों और तकलीफों से रिहाई बख्शता है हकीर जाना और उससे कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकरर कर। सो अब तुम कबीला कबीला होकर और हजार हजार करके सब के सब खुदावंद के आगे हाजिर हो। पस सैमुएल इसराइल के सब कबीलों को नजदीक लाया और कुर्रा बिन्यामीन के कबीला के नाम पर निकला। तब वो बिन्यामीन के कबीला को खानदान खानदान करके नजदीक लाया तो मतोरियों के खानदान का नाम निकला और फिर कैस के बेटे साउल का नाम निकला, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो ना मिला। सो उन्होंने खुदावंद से फिर पूछा, क्या यहां किसी और आदमी को भी आना है? खुदावंद ने जवाब दिया, देखो वो असबाब के बीच छुप गया है। तब वो दौड़े और उसको वहां से लाए, और जब वो लोगों के दरमियान खड़ा हुआ तो ऐसा कादावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और सैमुएल ने उन लोगों से कहा, तुम उसे देखते हो जिसे खुदावंद ने चुन लिया कि उसकी मानिंद सब लोगों में एक भी नहीं। तब सब लोग ललकार कर बोल उठे कि बादशाह जीता रहे। फिर सैमुएल ने लोगों को हकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिखकर खुदावंद के हजूर रख दिया। उसके बाद सैमुएल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं, और साउल भी जुब्बा को अपने घर गया, और लोगों का एक जत्था भी जिनके दिल को खुदा ने उभारा था उसके साथ हो लिया। पर शरीरों में से बाज कहने लगे कि ये शख्स हमको किस तरह बचाएगा? सो उन्होंने उसकी तहकीर की और उसके लिए नजराने ना लाए, पर वो अनसुनी कर गया।